नमस्कार, आप सब देख रहे हैं उदित राज न्यूज। मैं एक बार फिर आपके साथ सारिका साहू लेकर आई हूँ कुछ खास। लखनऊ के चौक से बड़ी खबर सामने आ रही है। पीर बुखारा अलिया कॉलोनी के रहने वाले बुजुर्ग सैयद जाफर मेहदी की गाड़ी से 3 लाख रुपए हुए गायब। पीड़ित बुजुर्ग कैनरा बैंक से 3 लाख रुपए निकाल कर मौके से लुटेरे हुए फरार। उनका कहना है कि पीड़ित के मुताबिक चौक स्थित कैनरा बैंक से पैसे निकाल कर 100 मीटर की दूरी पर देवीदास जनरल स्टोर के यहाँ वह सौदा लेने गए थे। अचानक बुजुर्ग की गाड़ी से रुपए गायब देखा तो बुजुर्ग के होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत पीड़ित बुजुर्ग सैयद जाफर मेहदी ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे और उससे जुड़े अन्य पहलुओं से आगे की कार्रवाई में जुटी हुई। पेश है उदित राज न्यूज से लखनऊ संवाददाता प्रभात कश्यप की खास रिपोर्ट। देखते रहिए उदित राज न्यूज। आपका सैयद जाफर मेहदी, किस तरह की घटना हुई आज आपके साथ? आज मैं 12:15 करीब कैनरा बैंक गया था चौक, वहाँ मेरा अकाउंट है। मैंने वहाँ उसमें 3 लाख रुपया मैंने निकाला, विड्रा किया थ्रू चेक, और वो लेके मैं वहाँ बैठा। मेरी बच्ची का भी मेरा जिनको पासबुक देने के लिए उन्होंने कहा था, उसका अकाउंट ट्रांसफ़र हुआ है अलीगढ़ से यहाँ लखनऊ। उन्होंने कहा था अपनी पासबुक ले लीजिएगा, तो मैंने उससे पासबुक के लिए कहा। उसने कहा बैठ जाइए, बढ़ा के दे रहे हैं। तो मैं वहाँ बैठा रहा, अपना पर्स में मैंने रुपया रख लिया था पैसा। उस पर्स में मेरी स्टेट बैंक की, मेरी वाइफ की और मेरी पेंशन की चेक पासबुक है। मेरे वहाँ कैनरा बैंक की चेकबुक और पासबुक थी उसके अंदर। तो मैं ये बैठा रहा कुछ देर, पास मुझे आवाज़ दी क्या ये ले लीजिए। तो मैं गया, मैंने उसकी पासबुक ली, उसको मैंने पर्स में रखा। पर्स में रखने के बाद मैं वहाँ से निकला, क्योंकि मुझे कुछ घर घर का सामान खरीदना था, जैसे शक्कर आटा वगैरह। तो वहीं से मैं आगे बढ़ गया सीधा, पर्स को मैंने डिग्गी में रख लिया। मैं उसमें बैठ गया तो जाहिर डिग्गी बंद हो जाती है उसकी। तो वहाँ से जब मैं आगे गया तो LIC के सामने है, ये देवीदास की दुकान है जी, परचून की। मैंने सामने गाड़ी खड़ी करके मैं अंदर सामान लेता रहा। सामान लेने के बाद जब उसने मुझे पैक करके दिया तो मैं वहाँ आया कि अपनी डिग्गी में रख लूँ सामान को। तो जब मैंने जैसे ही डिग्गी खोली, डिग्गी लॉक थी, मैंने उसको खोला तो उसके अंदर मेरा पर्स गायब था। मैंने पर्स रखा। आपने इसकी सूचना पुलिस को दी? हाँ, पुलिस को मैंने सूचना दी। पुलिस यहाँ से कैनरा बैंक भी आई, पुलिस वहाँ देवीदास के यहाँ भी गई, सब तरफ उन्हें सर्च किया। कहाँ तहरीर दी आपने जी? तहरीर कहाँ दी? तहरीर यहाँ दी है जो कोनेश्वर चौराहे के ऊपर। आप कहाँ रहते हैं? मैं यहाँ पीर बुखारा में रहता हूँ, एरिया कॉलोनी पीर बुखारा चौक। क्या आपको किसी पे शक था, कोई आपका पीछा कर रहा था? नहीं, मुझे इस बात का कोई शक नहीं था। मैंने जब वहाँ गाड़ी खड़ी की तो वहाँ पर मेरे कर्कुर बजवाने मेरे कोई नहीं था। मैं अंदर खड़ा रहा, मैं वहाँ से देखता भी रहा गाड़ी को, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा। लेकिन किस वक्त किसने ये काम दिखा दिया? हो सकता है कि मैं पेमेंट दे रहा हूँ काउंटर के ऊपर, तो उसने इतनी देर में वाच करके और ये काम दिखा दिया। तो मेरा पूरा प्रश्न से निकल गया। संक्रमण के मद्देनजर किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा विभिन्न विभागों में स्क्रीनिंग कराने का निर्णय लिया गया है। कुछ विभाग स्क्रीन करा लिए गए हैं और अभी तक वर्तमान में जो हमारी स्थिति है, लगभग 30 से 40 जो चिकित्सक हैं रेजिडेंट्स, उनमें कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है और हमारी ये स्क्रीनिंग अभी जारी रहेगी। ये थी हमारी आज कुछ खास बात। फिर मिलते हैं आपसे एक नई अपडेट के साथ। तब तक आप सब देखते रहिए उदित राज। मैं सारिका साहू आपसे इजाजत चाहती हूँ। धन्यवाद।